हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप सावल एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस बाइकर। सो टुडेस वीडियो इज ऑल अबाउट टूल्स, क्योंकि मैंने अपने टेबल पे सजाए हैं। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि अगर आप एक बाइकर है, आप बहुत ज्यादा लॉन्ग राइड्स करते हैं, या फिर आप मेरे जैसे एक एंथुजियास्ट है, बाइक के एंथुजियास्ट हैं, एंड आप जो है वो आपका बाइक का सारा ही काम घर पे करना चाहते हैं, रदर देन इट्स सर्विस और इट्स एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन और एनी अदर जनरल रिपेयर वर्क। सो दीज आर सम बेसिक टूल्स विच यू नीड फॉर श्योर, एंड दीज टूल्स आर लाइफ सेवर इफ यू आर ऑन अ लॉन्ग राइड एंड इफ यू वॉन्ट टू डू जनरल सर्विसेज ऑफ योर बाइक। सो ये सारे जो टूल्स है, ये बहुत ज्यादा फैंसी टूल्स नहीं है। मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी टूल किट्स आती है, बहुत ज्यादा महंगी महंगी टूल किट्स आती है। सो ये जो है वो ऐसी कुछ चीजें नहीं है, ये खाली ऐसी चीज है जो कि एक बेसिक टूल्स आपके बेसिक काम को कर दे। बहुत ज्यादा आसानी से आपके काम को नहीं कर पाएगा, बट हाँ, आपके टास्क को डन ये टूल्स बहुत ज्यादा जरूरी कर सकते हैं। एंड कौन सा टूल कहाँ पे काम आएगा एंड किस प्राइस रेंज में मैंने खरीदा है एंड कौन कौन से टूल्स जो है वो ये मैंने पूरी किट बनाने के लिए लगाए हैं, सो उसके बारे में आज बात होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो है हमने हमारी टेबल का व्यू चालू कर दिया है। सो ये कुछ ऐसे टूल्स है जो कि आपको बेसिक रिपेयर वर्क के लिए चाहिए। सो जस्ट ये जो ऑयल का डिब्बा है उसे इग्नोर कर दीजिएगा, वो मैंने ऐसे ही जो बैकग्राउंड में रखा है। बाकी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद दिस एलन की सेट। तो अगर आपको मैं अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एलन की का पूरा सेट है, जिसमें आपको 1.5 2.5 3 4 5 6 एंड 8 नंबर की एलन की मिलती है। सो अगर आप मार्केट में जाएंगे तो इससे बेहतर आपको एलन की सेट्स मिल जाएंगे, जिसमें जो है वो आपको 12 से 15 एलन की मिल जाएगी। बट मेरे को लगता है कि ये जो सारी एलन कीस है, ये बेसिक वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। एंड साथ ही में ये जो एलन की सेट है, ये अच्छा खासा रिजिड है, मतलब बहुत ज़्यादा वगैरह लाइक स्टैनली वगैरह टपा जाती है जितना वो रगड़ती है, पर हाँ, आपके बेसिक टास्क को कर सकता है। एंड दिस एलन कीस आर वेरी यूजफुल स्पेशली इन मॉडर्न बाइक्स। सो ये जो है वो कुछ लोकल कंपनी का मैंने खरीदा है एंड आई गॉट दिस फॉर अराउंड 100 and 110 रुपीज। सो ये छोटी सी चीज़ है पर बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है इफ़ यू वॉन्ट टू रिमूव फेयरिंग्स एंड बहुत सारी जगह पे बेसिकली एलन कीस यूज में आती है। सो सबसे पहली चीज़ है ये। दूसरी ये चीज जो है, ये बहुत ज्यादा ही जो है वो खाम की चीज है। लाइक आपके किट में अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, बट ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। एंड यू डजंट नीड टू बाय दिस टूल किट, ये जो है वो आपको बाइक के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ही मिलती है, बट ज्यादातर लोगों की ये किट खो जाती है। तो अगर आपकी भी ये वाली किट खो गई है तो प्लीज इसे खरीद लीजिएगा। इस किट के अंदर क्या क्या मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। सो सबसे पहली एंड सबसे ज्यादा जादुई चीज है ये। सो आप अगर सोच रहे हैं कि ये क्या है, तो ये है स्पार्क प्लग रिमूव करने का टूल। ये एक स्पेशल टूल है, ये जो है वो इन बेसिक टूल्स में जो है वो इंक्लूड नहीं होता, एंड दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल, ये आपके पास जो है वो जरूर ही होना चाहिए। दूसरा जो टूल है वो है ये 10 and 12 mm ओपन स्पिनर। ये क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे जो है वो बाइक का चेन कवर अगर आपके बाइक में है तो वो एंड ब्रेक्स वगैरह टाइट हो जाते हैं, बहुत सारे बेसिक टास्क भी जो है वो इसके साथ में हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दिस 13 and 17 mm। सो ज्यादातर बाइकों के ट्रेन प्लग जो है वो इन दोनों में से ही एक साइज के होते हैं, सो आप उसके लिए जो है वो इसे यूज में ले सकते हैं। ये तीनों चीजें जो है वो आपको बाइक के साथ में मिलती है। सो आई गॉट दिस फ्रॉम माई ओल्ड बाइक, हीरो होंडा की जो स्प्लेंडर आती है उसमें ये किट लगी हुई मिली थी। एंड ये जो टूल होता है ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होता है, इससे हर एक बाइक के स्पार्क प्लग्स जो है वो खुल जाते हैं। सो ये चीज़ जो है वो आप जो है वो ज़रूर से खरीद लीजिएगा। इसकी कॉस्ट मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ये ज़्यादा नहीं होगा, 100 to 150 रुपीज़ में जो है वो ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो कि आपके सबके घर पर होती ही है, सो दिस इज़ अ प्लायर। अब प्लायर में भी बहुत सारे टाइप के प्लायर आते हैं,
बट मेनली यही वाला प्लायर जो है वो ज्यादा यूज में आता है, घर वगैरह में भी चल जाता है एंड बहुत ज्यादा अच्छा भी रहता है। सो ये जो है वो प्लायर रखिएगा, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंट यूजेज में आ जाता है। ये है स्क्रू ड्राइवर जो कि एक साइड से फ्लैट हेड होता है एंड दूसरी साइड से ऐसे प्लस शेप में जो है वो होता है। सो ये भी जो है वो जरूर अपने साथ में रखिएगा। सो ये सारे जो टूल्स है ये हो गए ऐसे छोटे छोटे टूल्स, बिखरे बिखरे से टूल्स जो कि आपके साथ में होने चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रिंग स्पैनर सेट। सो इफ यू थिंकिंग टू बाय अ सॉकेट सेट और अ रिंग स्पैनर, सो मैं आपको बता दूं कि जो सॉकेट सेट्स होते हैं आपको ज्यादा महंगे मिलते हैं। लाइक ये रिंग स्पैनर जो है वो मुझे 6 mm से 22 mm का सेट जो है वो मुझे करीबन 400 rupees का मिला है, जबकि यहीं पे मैं अगर सॉकेट सेट प्लस रैचेट खरीदूं तो मेरे को आराम से 2000 to 2500 rupees मेरे को स्पेंड करने पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस ओवर अ सॉकेट सेट, क्यों ही भाई फालतू में 4-5 गुना ज्यादा आपको पैसा देना ही है। एंड दोनों का काम लाइक जहां पे सॉकेट सेट काम में आता है वहां पे रिंग स्पैनर भी काम में आती ही है, बट ये जो है वो थोड़ा सा स्लोली काम करते हैं। सो अगर आपका कुछ लाइक गैरेज वगैरह नहीं है एंड आप जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बाइक रिपेयर वर्क्स नहीं करते हैं मेरी तरह, कभी कभार सर्विस वगैरह हो गया, कभी कभार मॉडिफिकेशन वगैरह हो गया, तो आई सजेस्ट यू टू बाय अ रिंग स्पैनर सेट। सॉकेट सेट की तरफ मत जाओ, ये बहुत ज्यादा सस्ते में मिल जाएगा एंड रिंग स्पैनर सेट में भी बहुत सारे तरीके के सेट आते हैं। इसमें से जो सबसे ज्यादा कॉमनली सेट जो मिलता है वो होता है ये 6-7 mm जो कि सबसे छोटा रिंग स्पैनर है, उससे लेकर ये 20 to 22 mm वाला। सो ये वाला जो सेट आता है 8 पीस या फिर 10 पीस के सेट में आपको ये मिल जाएगा 6 mm to 22 mm। सो आप जो है वो जनरली इसी को जो है वो कंसिडर कीजिए। अब इसमें भी 2-3 टूल्स जो है वो बहुत ज्यादा काम के होते हैं, जैसे कि 10-12 का जो होता है वो बहुत ज्यादा काम का होता है, एक 19 और 17 का जो रिंग स्पैनर आता है सो वो भी बहुत ज्यादा जो है वो काम में लगता है 19 mm, क्योंकि एक्सल बोल्ट जो है वो 19 mm के होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि ये सारी चीजें जो है वो आपको जरूर रखनी चाहिए। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने नहीं खरीदी बट आपको जरूर रखनी चाहिए, तो बात करते हैं उसकी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस टूल्स आपको और बहुत सारी चीजें हैं जो कि बेसिक रिपेयर के लिए, एसेंशियल्स के लिए या फिर लाइफ सेवर तरीके से भी रखनी चाहिए, जिसमें से एक तो है कि ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट आप कोई सा भी ले सकते हैं बट जो इजीएस्ट जो वे है कि ल्यूब्रिकेंट कैरी करने का वो है ग्रीस। ल्यूब्रिकेंट के स्प्रेस भी आते हैं बट एज आई टोल्ड यू कि महंगा पड़ता है सो वो मत रखो, या फिर आपके पास अगर ऐसा कुछ इंजन ऑयल का भी डब्बा पड़ा है तो इसको कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको कोई भी चीज ल्यूब्रिकेट करनी है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं बट कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि ग्रीस की छोटी सी डिब्बी आती है एंड यू ऑल्सो गेट अ पाउच ऑफ ग्रीस जो कि बहुत ज्यादा छोटा सा होता है, उसे भी जो है आप इस टूल किट में ऐड कीजिएगा, बहुत ज्यादा लाइफ सेवर चीज है। उसके अलावा ही एक कार्बन क्लीनर स्प्रे आता है, उसकी जगह पे आप WD-40 भी यूज कर सकते हैं, ब्रेक क्लीनर भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा स्प्रे है जो कि मैंने नहीं लिया बट आपके पास जो है वो जरूर होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज जिप टाइज। जिप टाइज जो है वो आपको मेनली तब बहुत ज्यादा काम में आती है जब आपका कोई प्लास्टिक पार्ट टूट जाए या फिर आपका कोई वायर जो है वो कहीं पे अड़ रहा हो, तो उस टाइम पे जिप टाइज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मेरे पास भी एक्चुअली थी बट मेरी जो जिप टाइज का पैकेट था वो खत्म हो गया। बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है तो उससे भी जरूर रखिएगा। उसके अलावा एक और चीज जो कि मैं इतनी ज्यादा सजेस्ट नहीं करता आपकी बाइक में यूज करना, बट अगर आप एक एम सील या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड रखते हैं जो कि पाइप्स को रिपेयर कर सके फॉर अ टेम्पररी, सो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। आई डोंट सजेस्ट दैट थिंग्स बट अगर आप कहीं पे फंस गए हो तो एम सील जैसे कंपाउंड्स जो है वो आपके पाइप्स टूटे हुए पाइप्स वगैरह को जो है वो अच्छे से सील कर देते हैं, सो वो भी बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। सो यही था आज के वीडियो का टॉपिक। ये कुछ ऐसे टूल्स है ज्यादा पैसे भी नहीं जाते, असेंशियल्स है, आपकी रिपेयर वर्क्स कर देते हैं एंड इन टूल्स से ज्यादातर सारे काम हो ही जाता है, तो क्यों ज्यादा पैसा देना, क्यों ज्यादा टूल्स लेना, क्यों ज्यादा टूल्स को कैरी करना। सो दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।
बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना ही भूले, एंड डेली वीडियोस भी जो है वो हम अपकमिंग लाने वाले हैं। सो मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइट सेफ एंड लिव लॉन्ग।